लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन ड्यूटी में एक महिला अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई थी, जिनका नाम था रीना द्विवेदी। और अपनी पीली साड़ी वाले लुक को लेकर वो काफ़ी चर्चा में आ गई थी और लोग चुनाव में वोटिंग से ज़्यादा रीना पर ध्यान देने लगे थे। और इसी बीच रीना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार भी रीना द्विवेदी लखनऊ कैंट विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में ड्यूटी कर रही हैं और उनकी ड्यूटी कृष्णा नगर के महानगर इंटर कॉलेज में लगाई गई है। यहाँ पर मतदान का उत्साह एक अलग ही स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों को पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करने का इंटरेस्ट तो है ही, साथ ही उन्हें ये इंटरेस्ट भी है कि वहाँ पर रीना की ड्यूटी लगी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक महज कुछ ही प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन रीना द्विवेदी के पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा मतदान का प्रतिशत देखा गया है। और इसकी वजह बताई जा रही है रीना द्विवेदी, जिन्हें देखने के लिए मतदाता बूथ पर आए और आते आते उन्हें देखते देखते मतदान भी डाल गए। इससे पहले जब रीना द्विवेदी पोलिंग अफसर के रूप में रमाबाई मैदान में अपना ईवीएम किट लेने पहुंची तो सब उन्हीं को देख रहे थे। इस दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे थे। रीना जितनी फैशनेबल है उतना ही वो सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान रखती है। उन्होंने अपनी ड्यूटी बाकायदा निभाई और लोगों से मतदान करने की अपील की है। वो पीडब्ल्यूडी के विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं और इसीलिए उनकी मतदान में ड्यूटी भी लगी है। रीना को कई फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फिल्मों में काम नहीं करना चाहती हैं। लेकिन रीना को फैशनेबल रहना और अच्छे लुक में रहना काफ़ी पसंद है, इसलिए वो इतने अच्छे से रहती हैं। कुछ दिनों पहले रीना की स्कर्ट वाली फोटो भी वायरल हुई थी, जिसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। रीना की शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव के साथ, जहां उन्हें पीली साड़ी में देखकर लोगों के बीच कुछ तहलका समझ गया था और लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया था। और इसके बाद रीना की कई फोटोज़ और वीडियोस भी सामने आए थे। और उसके बाद फिर से चुनाव में लगी ड्यूटी के कारण रीना फिर से सुर्खियों में आ गई है और काफ़ी फेमस हो रही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।